सावन के पहले सोमवार में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कंखल स्थित शिव के ससुराल दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में शिव भक्तों की कतार लग गई। सभी भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन का पहला सोमवार यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन और शिव का सबसे प्रिय दिन। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर भोलेनाथ की अपार कृपा मिलती है। चूंकि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कंखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति मंदिर में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन कर लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसे में यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं और सभी मुरादें पूरी करते हैं। इसलिए सुबह से ही दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगी है। ये भगवान की ससुराल है, भगवान भोलेनाथ की ससुराल है। दुनिया का प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का इसी जगह पे कंखल में हुआ था और श्रावण के महीने में भगवान शिव ने अपने ससुर राजा दक्ष को ये वरदान दिया था कि हे राजा दक्ष, श्रावण के महीने में मैं यहीं पर निवास किया करूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा और पूजा जाऊंगा। तो भगवान शिव यहाँ राजा दक्ष के कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं एवं पूजे जाते हैं। श्रद्धा है पूरी और बाबा भी पहले से बचपन से ही आ रहे हैं और बस बाबा के दर्शन आ गए, सबसे बढ़िया है। यही सारी संपूर्ण मतलब ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, इनमें पूरा विश्वास है। मन में बहुत श्रद्धा है, यहाँ जो भी कोई गुरु काम में मांगती है वो सारी पूरी होती है और मैं तो भाई जितनी भी मनोकामना है सारी यहीं से ही पूरी होती है। दक्ष मंदिर का बहुत महत्व है यहाँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।